हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज बादशाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल स्मार्ट गैजेट। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर बताने वाले एक पावर बैंक का। यहां दोस्तों ये पावर बैंक सोरो कंपनी की तरफ से आता है जो कि 13,000 mAh का है। देख सकते हैं बॉक्स में दिखने में कुछ इस तरह से दिखता है, आगे से साइड से कुछ दिखता है, पीछे से कुछ दिखाया गया है। इसी के बारे में बताऊंगा दोस्तों, से लेकर डेट तक बोले तो क्या खास बातें हैं, क्या क्वालिटी, क्या प्राइस है, कहां से ले सकते हैं, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं, आपके काम का है या नहीं, सारी जानकारी वीडियो में देखो। आप सोच रहे थे कुछ लेने के लिए अपना पर्सनल यूज के लिए, फिर जैसा भी यूज के लिए दोस्तों, अच्छा सा पावर बैंक जो कि छोटा सा हो और कम से कम 10 से लेकर 15,000 mAh तक का हो, ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहें ताकि लास्ट में पीए डिसाइड कर सके कि ये पावर बैंक आपके काम का है, आपको लेना चाहिए या नहीं। चलिए दोस्तों वीडियो में फालतू बातें नहीं करते हैं, देखते देखते फाइनली खोल के। खोलने से पहले दोस्तों ये बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेने का, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, लगे जानकारी दोस्तों जानना चाहिए तो फेसबुक और सब के जरिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और कोई सवाल सुझाव दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और इसी तरह आप लोग को भी देखना पसंद है अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू स्मार्ट गैजेट या फिर मोबाइल एक्सेसरी वगैरह का, ये चैनल सिर्फ आपके लिए, आप चाहे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ दिखने में इस तरह से दिखता है बॉक्स में। चलो दोस्तों इसमें फालतू पता नहीं करते, देख लेते हैं अंदर कैसा क्या है। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों दिखने में कुछ इस तरह से दिखता है, व्हाइट कलर का है बॉक्स के अंदर, कुछ नहीं मिलता है, इसको रखते हैं साइड में, एक साथ मिल जाता है। देख सकते हैं माइक्रो यूएसबी केबल जो कि पावर बैंक केबल है, इसको रख लेते हैं साइड में, ये पन्नी को उतार लेते हैं पहले। ये है दोस्तों हमारा पावर बैंक जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, देख सकते हैं व्हाइट कलर का है, और जिसका ये दिया हुआ है दोस्तों ये है आपका लेदर टाइप से ऊपर से, लेकिन लेदर नहीं है लेकिन उसी तरह से बनाया गया है, लेकिन दिखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, देख सकते हैं इस तरह से कुछ दिखता है। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मोबाइल की तरह ही है, बिजली कहीं भी से कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में या फिर बैग वगैरह कहीं भी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्वालिटी बता दो, देख सकते हैं ये ऊपर से फाइबर बोलो या फिर क्या बोलो दोस्तों नहीं पता, देख सकते हैं कुछ इस तरह से क्वालिटी का बनाया गया है, ऐसा लग रहा है लेदर का है। ठीक है, ऊपर देख सकते हैं एक लाइट मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों ये। ठीक है, और यहाँ पे एक डिस्प्ले मिल जाता है देखने के लिए कितना परसेंट चार्ज है, ये सब दिखाएगा। इस सोरो को ब्रांडिंग किया गया है और साइड से कुछ इस तरह से दिया गया है, देख सकते हैं माइक्रो यूएसबी की लगता है इसमें, चार्ज कर दीजिएगा इसमें तो माइक्रो यूएसबी लगेगा, टाइप सी नहीं रहेगा। ठीक है, और डबल स्लॉट दिया हुआ है, बोला तो एक बार में दो मोबाइल या कोई भी डिवाइस चार्ज कर सकते हैं, यहाँ एक बटन मिल जाता है और इसमें कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो बटन प्रेस कीजिएगा दोस्तों, यहाँ परसेंटेज दिखाएगा, देख सकते हैं 25% है, बोले तो अभी 32 का बचा हुआ है, ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे टॉर्च दिया हुआ, चलिए टॉर्च भी चला के दिखाता हूँ आपको, प्रेस एंड होल्ड किए रहेगा दोस्तों चलेगा, देख सकते हैं कुछ जल रहा है जो कि काफ़ी काम आ सकता है आप लोग को रातों में। ठीक है, तो दिखने में बहुत दोस्तों इसका क्वालिटी ठीक ठाक ही लग रहा है, बिजली गिरेगा तो टूटेगा नहीं, और ये व्हाइट कलर का है तो दिखने में और भी जबरदस्त लग रहा है। चलिए दोस्तों इसमें चार्ज लगा के देखते हैं, चार्ज करने के दोस्तों मेरे पास तो नॉर्मल यूएसबी नहीं है, टाइप सी है, बोला तो रेडमी नोट 7 प्रो है, उसको चार्ज करने के लिए मेरे को केबल लगाना पड़ेगा, चार्जिंग केबल। तो चार्ज ले रहा है दोस्तों, ठीक है चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो आप लोग को बता दो ये फास्ट चार्जिंग वाला पावर बैंक नहीं है, ठीक है ये आपका नॉर्मल चार्ज वाला है, क्योंकि इसमें कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है फास्ट चार्ज करेगा ये, या फास्ट चार्ज खुद लेगा क्योंकि माइक्रो यूएसबी दिया हुआ, देख सकते हैं इसे फास्ट चार्जिंग कहीं लिखा हुआ भी नहीं क्योंकि मेंशन किया हुआ नहीं, तो ये नॉर्मल चार्ज करेगा। ठीक है, आप इसे उम्मीद ना करें दोस्तों कि ये फास्ट चार्ज करेगा, क्योंकि ये नॉर्मल चार्ज करेगा। ठीक है, तो छोटे मोटे मोबाइलों के लिए या फिर डिवाइसों के लिए ठीक ठाक है दोस्तों, फिर कभी कभार यूज के लिए आप इसे परचेस कर सकते हैं, सब ठीक ठाक है, देख सकते हैं अपने आंखों से देखने में तो काफ़ी खूबसूरत दिख ही रहा है और क्वालिटी भी ठीक ठाक ही है। तब चाहे दोस्तों इसे परचेस कर सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी, ऑफलाइन ही मिल जाएगा आपको इसलिए दोस्तों 400 से लेकर 450 के अंदर, ऐसे को ऑनलाइन लेने जाइएगा तो 700 से लेकर 750 तक की लग सकता है, तो देख ले अपना वीडियो जहाँ आपको मिलता है इसे परचेस कर सकते। और तो उसमें कुछ बताने जैसा है ना, तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता है वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेने का, फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।